दिन है और आज आखिरी दिन है मेरे घर पर। गणपति बप्पा 5 दिन के लिए रहते हैं और आज लास्ट 5 डे है और आज ही उनका विसर्जन है शाम को। तो मेरे को जितना भी उनको खिलाना है, मतलब मेरे पास बस अभी का टाइम है और मुझे जो जो उनको खिलाने का मन था ना, वो सारी चीज़ें उनको खिलाए बिना घर से जाने नहीं दूंगी। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और ये जो कुर्ती मैंने आज पहनी है, मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट की थी, आज मैंने येलो पहना है। मेरे गणपति बप्पा ने भी येलो पटका लिया है और अद्विका ने भी येलो पहना हुआ है। तो आज मैं बहुत अच्छे अच्छे उनको भोग बना के खिलाने वाली हूँ। और अभी पहले बालकनी सही करेंगे क्योंकि बालकनी में ही विसर्जन है, तो मुझे पहले बालकनी ठीक करनी है। और आओ आपको मैं मिला देती हूँ अपने गणपति बप्पा से, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है मेरे घर में, तो आज के दर्शन तो आपको जरूर करना है। तो आज मैं बना रही थी अपने गणपति जी के लिए समोसे और बालूशाही। तो मैं यहाँ पे मैं समोसे का आटा तैयार कर दिया और जो समोसे में हम स्टफिंग भरेंगे उसका मसाला मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही थी। अब बारी आती है आलू को छिलने की, तो आलू को छिल के मैं रेडी कर लेती हूँ। और मेरे घर में 5 दिन के लिए गणपति जी रहते हैं, तो मैं 5 दिन में बहुत कुछ नहीं कर पाई क्योंकि अद्विका की तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी और ये वीडियो भी मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से पोस्ट नहीं कर पा रही थी वीडियो, तो ये मैंने सोचा कि चलो आज फाइनली 10 दिन हो गए हैं और गणपति जी जा रहे हैं, तो मैं आज ही विसर्जन का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आज पोस्ट करती हूँ, शेयर करती हूँ सबके साथ। स्टफिंग रेडी हो गई थी और अब मैं समोसे के अंदर फिलिंग कर रही हूँ। और यहाँ समोसे के अंदर फिलिंग करने के बाद हमारे काफ़ी समोसे रेडी हो गए थे इतनी सी स्टफिंग में। अब बारी आ गई थी इन समोसों को फ्राई करने की और गणपति जी के आगे इनको चढ़ाने की, तो मैंने फटाफट से समोसों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि गणपति जी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और मेरा ये चीज़ें रेडी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है जल्दी से रेडी करती हूँ और धीरे धीरे करके अपने भगवान को भोग लगाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले समोसे बन के आए थे और ये मैंने समोसा उनको दिया और उसके बाद बारी आ गई थी बालूशाही बनाने की, तो मैंने चाशनी बनने को रख दी थी और यहाँ पे मैं 2 से बालूशाही तैयार करी थी। जो बालूशाही होती है वो मैं अपनी मम्मी के बताए हुए तरीके से ही हमेशा बनाती हूँ। यूट्यूब पे मैंने बहुत सी ट्रिक्स देखी हैं बट वो हमेशा डिफरेंट रही हैं जो मैंने बचपन से देखी हुई है अपने घर पर, तो मैं उस तरीके से बना रही हूँ यहाँ पर। और ये डोनट जैसे ही बनते हैं बट ये चाशनी में डिप हो जाते हैं लास्ट में जाके, थोड़ा सा डिफरेंस है, देसी वाले डोनट होते हैं हमारे। और यहाँ पे ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे देख के इसको इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी फाइनली इतनी अच्छी बन गई थी ये। और अब इसका भोग मैंने लगाया गणपति जी को, तो थोड़ा सा चटपटा देन थोड़ा सा मीठा करके आज गणपति जी का स्टार्ट हुआ उनका भोग लगाना। और ये आज लास्ट डे था गणपति जी का और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना कि ये इस बार के गणपति जी, मेरे को पता ही नहीं चले 5 दिन कैसे उनके निकल गए और वो अब जाने वाले हैं। और जब से वो जाने वाले हैं ना, पुणे में मौसम भी बहुत ऐसा ही हो रहा है कि बारिश तूफान सब आता रह रहा है। मतलब आज 10वां दिन है जब मैं इसको फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आज ही बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फाइनली जो खाना था उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैं परवल की फ्राई सब्जी बना रही थी। जब तक मेरी सब्जी रेडी हो रही थी तब तक मैं बालकनी क्लीन कर रही थी क्योंकि जो विसर्जन है वो बालकनी में ही होगा घर पे, और बारिश की वजह से बालकनी पूरी गीली हो गई थी और मुझे बालकनी से कुछ पौधे भी हटाने थे ताकि हमें थोड़ी सी अच्छी स्पेस मिल जाए वहाँ पे विसर्जन करने के लिए। तो बालकनी थोड़ी सी क्लीन हो गई और मैंने थोड़े से जो गमले थे, तुलसी जी का गमला और बाकी और बड़े बड़े गमले जो पॉट थे, उनको मैंने रूम में अंदर रख दिए थे हर जगह पर। और यहाँ पे मैं तुलसी जी का जो गमला है, प्लांटर है, उसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कोई सा भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, मैं तुलसी जी को प्रॉपर सजाती हूँ और उनके सामने दीपक जरूर जलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी तुलसी जी भी एकदम क्लीन हो गई थी, साफ़ कर दिया था मैंने, थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी इनमें तो साफ़ करके आगे इनके फूल रख दिए थे। और जब सबकी पूजा होगी सब भगवान की, उस समय यहाँ पर भी दीपक जलाएंगे। और ये मेरा वही बनाया हुआ DIY है और इसमें जो फ्लावर्स मैंने रखे थे वो अभी तक वैसे के वैसे ही खिले हुए हैं। अब यहाँ पे हमारी दूसरी सब्जी
तैयार हो रही है। तो मैं दो तरीके की सब्जी बना रही थी, एक फ्राई थी और एक थोड़ी सी ग्रेवी वाली थी। तो मैं थोड़ा बहुत सिंपल खाना बना रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करा था आज। तो दाल भी मेरी तैयार हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे मसूर की दाल बनाई थी और मटर की सब्जी बन रही थी और परवल की सब्जी मेरी बन चुकी थी पहले ही। और जब तक इतना सारा खाना मेरा रेडी हो रहा था तब तक चाय का टाइम हो गया था। और ये आज की लास्ट चाय थी मेरी गणपति जी के साथ, तो मैंने उनको चाय दी और उनके साथ बैठ के खुद भी चाय पी। और ये एक अलग सा ही कनेक्शन आप फील करते हो जब आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हो, कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हो। तो मेरा 5 दिन से ऐसे ही था कि हम लोग साथ में चाय मतलब स्टार्ट करते थे, भगवान को देते थे देन हम लोग भी लेते थे। आज मैं अकेली थी और गणपति जी के जाने का टाइम बहुत पास आ रहा था, तो मैं अकेले उनके साथ बैठ के चाय पी रही थी। और अब बारी आ गई है अपने बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट करने की, क्योंकि यहीं से मेरे गणपति जी फैमिली चले जाएंगे, तो इसको सजाना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ थे और मेरे पास जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन वाली चीज़ें बची थी उनको मैंने यूज़ किया। और ये जो लोटस हैंगिंग मैंने ऑर्डर करी थी इस बार, ये मेरे बहुत काम आई। और इससे सच में डेकोरेशन जब आप करते हो और इसको आप अपने तरीके से जहाँ जहाँ यूज़ करते हो ना, ये हर जगह एक बहुत प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट करती है। और मेरे को ना कहीं पर भी इसको यूज़ करने में ये नहीं लगा कि मैंने अरे इसको यहाँ क्यों यूज़ किया, ये हर जगह जाके ना एक अलग ही प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट कर देती है और बहुत सुंदर लगती है देखने में। और शाम में येलो लाइट में तो ना ये हैंगिंग जो मैंने खुद से बनाई, मतलब पत्तियों और इसको लटकन को कनेक्ट कर दिया था और इनको ज्वाइन करने के बाद जो ये हैंगिंग तैयार हुई थी, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इस बालकनी से मेरे अंदर गणपति जी भी इतने सुंदर दिख रहे थे और ये बाहर भी सुंदर लग रही थी देख के। और मेरा ना बार बार मन ऐसा कर रहा था कि मतलब क्यों गणपति जी क्यों जा रहे, मतलब नहीं जाना चाहिए था। और मैं बहुत ही इमोशनल थी आज, मुझे पता भी नहीं था क्यों। मेरे पीछे जो डेकोरेशन आपको दिख रही है जो मैंने की है, वो विसर्जन की तैयारी में कर रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम हो गई है और विसर्जन का जो टाइम है वो पास आ गया है। और जो खाने की तैयारी थी वो ऑलमोस्ट हो गई है, तो बस भोग लगेगा, आरती होगी, भोग लगेगा और उसके बाद गणपति जी चले जाएंगे। कई बार खुद को पता ही नहीं चलता कि हम इतने इमोशनल क्यों हैं। आज मेरे साथ भी सेम चीज़ है, सेम फीलिंग्स हैं। और अभी डेकोरेशन इनकम्प्लीट है, इस डेकोरेशन को मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और मैं यहाँ पे अपनी बालकनी की डेकोरेशन करी, तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थी और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मैं उस दिन क्यों इतना थी। मुझे मतलब मेरे पास गणपति जी 2 बार पहले भी आए हैं, बट मैं कभी इतना नहीं रोई थी जितना उस दिन मुझे रोना आ रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं बाद में पता चला कि मुझे क्यों इतना कनेक्शन फील हो रहा था कि जैसे कोई अपना ही जाने वाला है। और वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रही थी मन में और वो कहीं ना कहीं होनी भी थी। तो इस बार के गणपति जी मेरे लिए बहुत ही अलग थे और बहुत ही अलग चीज़ें हो गई मेरे साथ। तो यहाँ पे गणपति जी का जो खाना है, जो उनका फाइनल भोग आज का लगने वाला था, वो तैयार हो गया था। और यहाँ पे हम उनके भोग को लगा के तैयारी करें, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे अचानक से बताने लगे कि ये फाइनल प्रोसेस है और इसके बाद ना हम गणपति जी को हम हिला के विसर्जित कर देंगे। तो मुझे ना उस समय भी बहुत शौक लगा, मैंने कहा नहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी 8 बजे, अभी 1 घंटा है। और मैं मतलब 1-1 घंटे का हिसाब रख रही थी कि मुझे उनको इतनी जल्दी नहीं जाने देना। जब मेहमान आते हैं तो उनको जाना होता है, और ऐसे ही मेरे गणपति जी भी आज आखिरी भोग ले रहे थे घर पे और इसके बाद बस उनके जाने का टाइम उतना ही पास आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बस ठीक है, अभी अभी जा रहे हैं तो चलो अगले साल फिर जल्दी आ जाओ, मतलब और
और सारी पूजा जब शुरू हो जाती है तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं तुलसी जी में भी दीपक जलाती हूँ, तो अभी मैंने उस दिन 4 दीपक जलाए थे और हर घर में अलग अलग कोने में रखा था, और तुलसी जी का दीपक भी मैंने जलाया और तुलसी जी का दीपक तो उनके पास जाके रखा था। और अब बस गणपति जी को हम हिलाते हैं उनको विसर्जित करने से पहले, उनका जो आसन था जहाँ हमने उनको स्थापित किया होता है वहाँ से उनको हिलाना होता है, और रिद्धि सिद्धि माता जो होती है उनको हिला देते हैं, और जो हमारे मंदिर के गणपति जी थे उनको भी हमने उनकी जगह से हिलाया, और जो कलश हमने स्थापित किया होता है उसको भी हम वहाँ से हिलाते हैं, और उसके बाद उनकी फाइनल एक आरती हम आखिरी में करते हैं और उस आरती के बाद ही उनका विसर्जन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और बस अब मेरे गणपति जी बस मेरे घर से जा ही रहे थे। 3-4 गणपति की जय जय वाह। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरो 3-4 गणपति की जय जय वाह। और उसको चुटकी लगाने के बाद और जब गणपति जी जाते हैं तो उनके साथ हम उनको विसर्जन के समय कुछ ना कुछ बांध के देते हैं, तो अगर हम उनको बाहर विसर्जित कर रहे होते हैं तो लोग मोदक बांध के देते हैं उनको साथ में, जैसे किसी मेहमान को रास्ते के लिए हम खाना बना के पैक करके देते हैं वैसे ही, और हम अपने गणपति जी को घर पे विसर्जित करते हैं तो इसलिए हम उनके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स बांध के दे देते हैं उनको, ताकि उनका सफ़र अच्छे से कटे और अगले साल वो फिर खुश होकर हमारे घर पर वापस आ जाए जल्दी से। तो ऐसे मेरे गणपति जी का विसर्जन हो गया और वो 5 दिन के मेहमान बन के आए और चले गए, और उनका जो आसन था वो एकदम सूना हो गया 5 दिन के बाद, और अब ऐसा लग रहा है कि इतनी चहल पहल थी और वो अचानक से चीज़ें ना शांत हो गई घर में, पर ठीक है, लेकिन ठीक है मेहमान आते ही हैं जाने के लिए, और जब वो चले जाते हैं तभी उनके आने की उम्मीद हम दोबारा से बांधते हैं कि अब वो अगले साल कब आने वाले हैं। तो ऐसे ही मेरे गणपति जी भी आए 5 दिन के लिए और 5 दिन हमारे साथ रह के चले गए, और अब अगले साल फिर से आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। तो ये था मेरा विसर्जन का व्लॉग गणपति जी का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिर आपसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय और गणपति बप्पा मोरिया।